भरतराव रचनात्मक कामों की कोख से पैदा हुई राजनीति। आज भी कोई बारामती जाकर के देखेगा तो चारों तरफ कुछ न कुछ रचनात्मक गतिविधियों में शरद पवार की महक आएगा। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने जब से पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है तब से उनके राजनीतिक पारी की खूब चर्चा हो रही है। शरद पवार की राजनीति में ऐसी विरासत रही है कि वे केंद्र हो या फिर राज्य, हमेशा पवार सत्ता के समीकरणों को बनाए रखने में कभी जरूरी रहे हैं तो कभी मजबूरी रहे हैं। मुंबई से लेकर दिल्ली की राजनीति में पवार का पावर हमेशा देखने को मिला है। सरकार चाहे किसी की भी हो, पवार अपने राजनीतिक समझ से हमेशा एक कदम आगे रहे हैं और विपक्षी पार्टी के नेताओं के साथ भी हमेशा से इनके व्यक्तिगत संबंध अच्छे रहे हैं। एक जमाने में यूपीए सरकार के समय वो केंद्र और गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच एकमात्र वार्ताकार का काम करते थे। बाद में जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो पीएम भी शरद पवार की तारीफ करने में कभी नहीं चूकते और वे शरद पवार का सम्मान भी करते हैं। ऐसे में आज से करीब 7 साल पहले शरद पवार की ऑटोबायोग्राफी की लॉन्चिंग के अवसर पर कही गई प्रधानमंत्री मोदी की बातों का जिक्र करना जरूरी हो जाता है। पीएम माइक के सामने आए और शुरुआती स्वागत के बाद उन्होंने पहली ही लाइन में दिलचस्प बात कही थी। मोदी ने कहा था, जब हम छोटे थे तो सुना करते थे, पूरे शब्द तो याद नहीं है पर सुनते थे कि अमल करो ऐसा मन में, जहां से गुजरी तुम्हारी नजरें वहां से तुम्हें सलाम आए। जब हम छोटे थे तो सुना करते थे, पूरे शब्द तो याद नहीं है लेकिन ऐसा सुनते थे, अमल करो ऐसा मन में, जहां से गुजरे तुम्हारी नजरें वहां से तुम्हें सलाम आए। यह कहना था कि सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा था। प्रधानमंत्री ने शरद पवार की तारीफ करते हुए आगे कहा था कि आज शरद पवार जी का जीवन देखते हुए ऐसा लगता है कि जहां भी उनकी नजर गुजरेगी सब ओर से उनको सलाम आएगा। इसका कारण 5 दशक से ज्यादा अखंड एक निष्ठ साधना है। वन लाइफ वन मिशन हम लोग सुनते हैं लेकिन उसके लिए अपने आप को खपा देना सरल नहीं होता। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने शरद पवार की तारीफ में क्या कुछ कहा था। शरद राव जी का जीवन देखते हुए लगता है कि जहां भी उनकी नजर गुजरेगी सब दूर से उनको सलाम आएगी और उसका कारण करीब करीब 5 दशक से ज्यादा अखंड एक निष्ठ साधना, वन लाइफ वन मिशन, ये हम सुनते हैं लेकिन उसके लिए अपने आप को खपा देना सरल नहीं होता। ज्यादातर आजादी के बाद और खास करके 70 के दशक के बाद देश में जो नेतृत्व आ रहा है वो राजनीतिक आंदोलन की कोख से पैदा होकर के आ रहा है लेकिन शरद राव रचनात्मक कामों की कोख से पैदा हुई राजनेता। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने अंडरवर्ल्ड का भी जिक्र करते हुए शरद पवार की तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि एक कालखंड ऐसा आया जब अंडरवर्ल्ड ने मुंबई के जीवन को तहस नहस कर दिया था लेकिन शरद पवार जैसे नेता ने ही मुंबई को अंडरवर्ल्ड से बचाया, उसे बाहर निकाला। एक कालखंड आया, पूरा एक दशक आया कि जहां अंडरवर्ल्ड ने एक प्रकार से मुंबई के जीवन को तहस नहस कर दिया और एक अंधकार सा माहौल दिख रहा था कि अगर मुंबई अंडरवर्ल्ड के हाथ में चला गया तो क्या होगा। और मैं कहता हूं कि शरद राव की हिम्मत थी और उनका कौशल्य था कि उन्होंने मुंबई को अंडरवर्ल्ड से बचाया, उसे बाहर निकाला। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री ने तब किस तरह से शरद पवार की तारीफ की थी।
अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पवार की पावर क्या है। और अब चूंकि वे अपनी पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके हैं, तो ऐसे में उनकी चर्चा होना लाजमी है। वैसे आप शरद पवार के इस फैसले को कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। और चलिए वीडियो के आखिर में हम आपको प्रधानमंत्री मोदी की वीडियो के साथ छोड़ जाते हैं। सुनिए आज से 7 साल पहले प्रधानमंत्री ने शरद पवार के बारे में और क्या कुछ कहा था, सुनिए और सुनकर कमेंट करिए। माननीय राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, इस समारोह के केंद्र बिंदु श्रीमान शरद राव, प्रतिभाताई स्पीकर महोदया, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, सोनिया जी, उपस्थित सभी मंचस्थ विराजमान वरिष्ठ महानुभाव, सभागृह में उपस्थित सभी वरिष्ठ महानुभाव, इस अमृत महोत्सव पर्व पर श्रीमान शरद राव को हृदयपूर्वक अभिनंदन करता हूं, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। जब हम छोटे थे तो सुना करते थे, पूरे शब्द तो याद नहीं है लेकिन ऐसा सुनते थे, अमल करो ऐसा अमन में, जहां से गुजरे तुम्हारी नजरे वहां से तुम्हें सलाम आए। आज शरद राव जी का जीवन देखते हुए लगता है कि जहां भी उनकी नजर गुजरेगी सब दूर से उनको सलाम आएगी। और उसका कारण करीब करीब 5 दशक से ज्यादा अखंड एक निष्ठ साधना, वन लाइफ वन मिशन, ये हम सुनते हैं लेकिन उसके लिए अपने आप को खपा देना सरल नहीं होता। ज्यादातर आजादी के बाद और खास करके 70 के दशक के बाद देश में जो नेतृत्व आ रहा है वो राजनीतिक आंदोलन की कोख से पैदा होकर के आ रहा है, लेकिन शरद राव रचनात्मक कामों की कोख से पैदा हुई राजनेता है। पिताजी कोऑपरेटिव मूवमेंट से जुड़े थे, मां राजनीतिक जीवन होने के बाद भी शिक्षा के प्रति समर्पित थी और उनके जीवन में भी, और आज भी शरद राव वो अपने प्रवचन में तो थोड़ा संकोच करके बोल रहे थे कि मैं थोड़ा बहुत समय शिक्षा के लिए दे रहा हूं, लेकिन जितना निकट से मैंने देखा है जब भी उनसे मिलते हैं या उनके अगल बगल के लोगों से जानते हैं, अधिकतम उनका समय रचनात्मक कार्यों में लगा हुआ है। आज भी कोई बारामती जाकर के देखेगा तो चारों तरफ कुछ न कुछ रचनात्मक गतिविधियों में शरद पवार की महक आएगी। और इसलिए राजनीतिक जीवन होने के बाद भी उनका जो मूल पिंड रहा है वो रचनात्मक गतिविधि का रहा है, और इतने लंबे अरसे की राजनीति की सफलता का मूल भी वो रचनात्मक गतिविधि है। आज के राजनीतिक जीवन में जीने वाले लोगों को शायद इसका मूल्य बहुत कम समझ में आता है, लेकिन शरद राव एक अपने आप में उदाहरण है कि उस रचनात्मक कामों के अधिष्ठान ने ही उनके राजनीतिक जीवन को एक नई हमेशा ताकत दी है, और उनको नित्य नूतन सोचना, नया करना, नया सीखने का जो स्वभाव बना वो भी इन रचनात्मक प्रवृत्तियों के कारण बना है, और उसके लिए वो समर्पित रहे हैं।
कोऑपरेटिव जीवन को भी उन्होंने समर्पित भाव से जिया है। वरना कभी कभी राजनीतिक जीवन और कोऑपरेटिव जीवन के बीच में बहुत बड़ा क्लैश आता है। कोऑपरेटिव क्षेत्र में काम करने वाले लोग भी हमेशा सोचते हैं कि भाई अब तुम राजनीति में चले गए, तुम वहां चलो, हमको हमारे पर छोड़ दो। ये स्थिति रहती है, क्योंकि मैं कोऑपरेटिव जीवन को निकट से जानता हूं। शरद राव ने दोनों के बीच में बहुत ही संतुलन रखा। ये बहुत कठिन काम है, और बहुत ही संतुलन रख के कोऑपरेटिव मूवमेंट को भी बल दिया और अपने राजनीतिक जीवन को भी चलाते रहे। शरद राव जी को जब भी वे जब ऊंचाइयों पर थे, हम तो किसी गली मोहल्ले में गुजारा करते थे, तब हम उनके विषय में जो सुनते थे, क्योंकि गुजरात और महाराष्ट्र का निकट संबंध होने के कारण महाराष्ट्र में और खास करके मुंबई की गतिविधि कुछ भी होती है तो बारिश भी वहां हो जाए तो ठंड यहाँ आना शुरू हो जाती है, इतना निकटता है। तो वहां कुछ भी होता तो पता, और एक बात खुल सामने आती थी कि एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में उनकी पहचान चारों ओर फैलती थी, और मुंबई को जो कि हमारी आर्थिक जीवन को गति देने वाली नगरी, एक कालखंड आया, पूरा एक दशक आया कि जहां अंडरवर्ल्ड ने एक प्रकार से मुंबई के जीवन को तहस नहस कर दिया था, और एक अंधकार सा माहौल दिख रहा था कि अगर मुंबई अंडरवर्ल्ड के हाथ में चला गया तो क्या होगा। और मैं कहता हूं कि शरद राव की हिम्मत थी और उनका कौशल्य था कि उन्होंने मुंबई को अंडरवर्ल्ड से बचाया, उसे बाहर निकाला। यह उनका सामर्थ्य था, और झिझक नहीं थी। शरद राव की विशेषता रही है, जो मानते हैं वो करने में उनको कोई झिझक नहीं देते। मुझे भी कभी एक बार, मैं इजराइल उनके साथ गया था, काफी दिन साथ में थे, तो मुझे एक बात बताते थे कि मोदी जी, आप लोगों का प्रॉब्लम ये है कि आप लोग इमेज कॉन्शियस ज्यादा हो, आप परवाह मत करो, जो मर्जी पड़े करते रहो। क्योंकि उनका अपना कन्विक्शन था कि भाई जो है सो है, मुझे करना है और मैं करते रहूंगा, और वे उसको खुल करके करने का स्वभाव रखते थे और करते थे अपने काम के संबंध में कमिटमेंट। एक दिन जब वो कृषि मंत्री थे तो मुझे टेलीफोन आया, उन्होंने कहा कि मोदी जी, मैं पुणे जा रहा हूं, लेकिन मैं बीच में एक दो घंटे आना चाहता हूँ, अगर आपको समय हो तो बात करना चाहता हूँ। मैं तो, आप आइए, मैं एडजस्ट कर लेता। मैंने कहा मुझे कोई खास, आप आ रहे हैं तो कुछ करना है तो नहीं, बोले आपसे ही बात करके आगे चला जाऊँगा। मैंने कहा आइए, और मुझे बराबर याद है वो पूरे गुजरात के खाका लेकर के आए थे, गुजरात में किस इलाके में कौन सी फसल होती है, किसानों की प्रायोरिटी क्या है, धीरे धीरे आपका किसान कॉटन की तरफ लुढ़क रहा है, और वो मुझे समझा रहे थे कि देखो भाई, तुम जरा लीडरशिप लो और किसानों से मिलो, उनको समझाओ भी कॉटन वगैरह ठीक है, लेकिन देश को गेहूं चाहिए, और तुम्हारे गुजरात के किसानों को समझाओ वो गेहूं की ओर जाएं, और तुम मुझे कुछ करके दिखाओ। बड़ा आग्रह किया उन्होंने। मैंने कहा कि आप कह रहे हैं तो मैं कोशिश करूँगा। खैर, कोशिश की, सफलता भी मिली, लेकिन जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा और जो शरद राव जी ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि इंपोर्ट हो, ये संभव कब हुआ कि पुणे जा रहा हूं लेकिन मैं बीच में अहमदाबाद उतरूंगा, मैं गांधीनगर आना चाहता हूं, घंटे पर तुमसे बात करूंगा, और तुम अपने किसानों को समझाओ कि भाई कॉटन बहुत हो चुका, कुछ समय के लिए वो गेहूं की ओर जरा आ जाए, ताकि देश के लिए आवश्यकता है। ये जो भाव था अपने काम के लिए, जो कमिटमेंट था, ये कमिटमेंट मैं समझता हूं कि वरना मंत्री है तो चिट्ठी जाएगी, सूचनाएं जाएगी, अफसर लोग दो फोन कर देंगे, लेकिन इस काम को अपना काम मान करके लग पड़ना, ये कमिटमेंट शरद राव को कभी भी मिली, शरद राव को कभी भी मिलिए, अगर आप 10 मिनट भी बात करोगे, इवन क्रिकेट के संबंध में, एक बार मैं भी क्रिकेट की दुनिया में आ गया था काम में, और वे भी थे तो उसके कारण मुझे मिलना होता था, क्रिकेट की बात अगर 8 मिनट हुई है तो 5-10 मिनट तो वो किसान की बात निकाल के ही रहते थे।
विषय क्रिकेट का हो, चर्चा क्रिकेट की करनी हो, लेकिन वो बात तुरंत किसान पर आ जाते थे। उनके मन मस्तिष्क में गांव, किसान और कृषि में भी आधुनिकता, इनोवेशंस, टेक्नोलॉजी को कैसे लाना और पोस्ट हार्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन चीजों पर वो ज्यादा बल देते थे। यानी परंपरागत रूप से हम कृषि को जिस रूप से देखा है, शरद राव को कृषि को अलग रूप से देखने का उनका स्वभाव था, उनका तौर तरीका था। और मुझे लगता है कि उनका इन सारे, अभी भी आप कभी भी मिलिए और गन्ना से ऐसे गन्ना शब्द बोल दीजिए, आपको घंटे भर समझा देंगे गन्ना। सारे लेटर फिगरों के पास रहते हैं, चीनी का क्या करना, एक्सपोर्ट कितना करना, क्या करना, सारी चीजें उसी में लगे रहते हैं। ये इन चीजों को दर्शाता है कि सार्वजनिक जीवन उनके लिए पद और प्रतिष्ठा से ही सिर्फ जुड़ा था ऐसा नहीं है, लेकिन सार्वजनिक जीवन के माध्यम से उनका जो टारगेट ग्रुप है उनके कल्याण के लिए, उनकी भलाई के लिए कुछ न कुछ नया करते रहना ये अविरत प्रयास रहता था। शरद राव में किसान वाली क्वालिटी भी है। किसान को मौसम का अंदाज जल्दी आ जाता है, शरद राव ने उस गुण का राजनीति में भरपूर उपयोग किया। राजनीति की हवा किस ओर चलेगी आपको जानना है तो शरद राव के साथ बैठिए। मुझे प्रतिभा राय को एक विशेष रूप से आदर करना है, बाकी चीजें तो सुप्रिया बहुत अच्छे ढंग से बताएगी, लेकिन प्रतिभा जी ने एक अच्छा कलेक्शन किया हुआ है, देखने जैसा है, और अब तो उसको एक फॉर्मल व्यवस्था में भी रखा है, बारामती को भी जाएं तो जरूर देखें। शरद राव ने सार्वजनिक जीवन शुरू किया तब से हर छोटी मोटी चीज ने प्रतिभा ताई ने जिस प्रकार से संभाला है, संग्रहित किया है, उस पर नोटिंग किया है। 1950 में किसी ने शरद राव को पेन दी होगी तो देने वाला कौन, ओकेजन क्या, वो सब लिखा हुआ है और वो सारी चीजें रखी है। ये बारीकी वाला जीवन और एक राजनीति के साथ गुजारा करना, ये अपने आप में अद्भुत संयोग है। और इसलिए मैं विशेष रूप से प्रतिभा ताई को भी प्रणाम करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और शरद राव जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।